Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor Praveen Thakur. आज मैं जिस विषय पर आप लोगों के साथ विचार साझा कर रहा हूँ वो है मध्यस्थता और वार्ता. मेडिएशन क्या है और नेगोशिएशन क्या है, इस पर हम लोग जो है बातचीत करेंगे. यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको इस जो है बुक की और जो है वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं. तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे मध्यस्थता क्या है, मध्यस्थता क्या होती है, मीडिएशन क्या होती है, यहाँ पर मध्यस्थता शब्द किस संदर्भ में यूज़ किया गया है और नेगोशिएशन क्या होती है. तो यहाँ पर जो मध्यस्थता शब्द यूज़ किया गया है वो किया गया है कोल्ड वॉर के लिए, शीत युद्ध के समय. शीत युद्ध जो है दो महाशक्तियों के बीच जो है एक जो है विचारधाराओं के आधार पर लड़ा जाने वाला युद्ध था जो 1947 से 1991 तक चला. तो इस शीत युद्ध में एक समय ऐसा आया इन दो महाशक्तियों, यह युद्ध जो है दो विचारधाराओं दो महाशक्तियों के बीच यह युद्ध था. एक तरफ जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा था. दूसरी तरफ जो है इसका जो विरोधी गुट था वो था USSR भूतपूर्व सोवियत संघ, और यह जो है साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था. तो इन दोनों महाशक्तियों के बीच एक समय ऐसा था 1970 से 1980 के दशक में. वैसे शीत युद्ध 1947 से जो 1991 तक चला उसमें हमेशा ही जो है इन दोनों विचारधाराओं में आपस में संघर्ष रहा. दोनों ही विचारधाराएं जो है दोनों ही गुट दोनों ही महाशक्तियां जो है आपस में गुट बनाकर जो है एक दूसरे की विचारधारा का जो है विरोध करती रही, सैनिक गठबंधन बनाकर. लेकिन 1970 से 1980 का जो दौर था शीत युद्ध में उसको जो है मध्यस्थ या तनाव शैथिल्य के रूप में, जब इन दोनों महाशक्तियों के तनाव में जो है क्या गया शिथिलता आ गई थी तो उसको तनाव शैथिल्य या मध्यस्थता का नाम दिया जाता है. जब USA और USSR जब जो है USA और USSR के बीच जो है शीत युद्ध के समय जो संबंध थे, जो एक दूसरे के विरोधी जो हित थे वो जो है सहयोगी हितों में परिवर्तित हो जाते हैं, ये एक दूसरे से सहयोग करना प्रारंभ कर देते हैं. तो मध्यस्थता को जो है हम उस संदर्भ में समझेंगे. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मध्यस्थता का अर्थ. मध्यस्थता होती क्या है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर मध्यस्थता का अर्थ है USA और USSR में जब जो है शीत युद्ध था, विचारधारा का जो युद्ध था कोल्ड वॉर था. कोल्ड वॉर के दौरान जो है 1970 से 1980 के दशक में, कोल्ड वॉर जो है 1945 से शुरू होता है 1991 तक. 1991 में जो है भूतपूर्व सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन होता है जिससे शीत युद्ध समाप्त हो जाता है. तो इनके बीच 1970 से 1980 के बीच का दशक ऐसा था जब इनमें संघर्ष कम हुआ और इनके बीच सहयोग या मध्यस्थता की स्थितियां बढ़ी. तो मध्यस्थता है क्या, मध्यस्थता से अभिप्राय दो संघर्षरत राज्यों, अर्थात जिन दो राज्यों में किसी विषय को लेकर विवाद है उन दो संघर्ष राज्यों के मध्य जो है संघर्ष को समाप्त करने के लिए जब तीसरा राज्य जो है मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है. उदाहरण के लिए दो संघर्षरत राज्य जो है शीत युद्ध के समय एक USA था एक USSR था. तो जब इन दो संघर्षरत राज्यों के बीच कोई तीसरा राज्य, उदाहरण के लिए जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट राज्य है चाहे UNO है, तो जब ये तीसरा राज्य जो है इन दोनों राज्यों के बीच जो संघर्ष है विश्व में महाशक्ति जो है बनने के लिए इन दोनों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से संघर्ष हो रहा था, तब कोई तीसरा गुट या तीसरा राज्य जब आकर जो है इन दोनों को जो है एक साथ बिठाता है और उनके बीच को संघर्ष को सुलझाने का प्रयास करता है ताकि जो है उन राज्यों में आपस में शांति स्थापित हो. तो उस शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जब कोई वो सुझाव देता है और उनमें जो है शांति स्थापित करके जो है वह मध्यस्थता स्थापित करने की कोशिश करता है. तो मध्यस्थता है क्या, दो राज्यों के बीच
जो है अगर हम साधारण रूप में देखें तो मध्यस्थता दो राज्यों के बीच जो है सहयोग की स्थिति है, जब वो जो है अपने संघर्ष को छोड़कर, जो उनमें जो है सामान्य असहमति है, उस संघर्ष को छोड़कर वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उस विषय पर वो एक समझौता करते हैं। उस समझौते या उस कॉम्प्रोमाइज से दोनों को फायदा होता है, ना कि दोनों को नुकसान होता है। तो जो मध्यस्थता है, जो मीडिएशन है, मीडिएशन का प्रयोग जो है शीत युद्ध के समय जो है दो महाशक्तियां, शीत युद्ध के समय, शीत युद्ध था क्या, दो महाशक्तियां, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 9 अगस्त 1945 को, तो उसके बाद जो है विश्व में कौन सा गुट या कौन सा देश जो है शक्तिशाली होगा, उसके लिए जो है होड़ शुरू हो जाती है, उसके लिए रेस शुरू हो जाती है। तो जो शीत युद्ध था वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ होता है 1945 से, दो जो है महाशक्तियों के बीच जो है शीत युद्ध प्रारंभ होता है। एक तरफ महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ महाशक्ति थी जो है यूएसएसआर। तो जो मध्यस्थता जो शब्द है, मेडिएशन जो शब्द है, यह यूएसए और यूएसएसआर के संदर्भ में 1970 के दशक के जो है रूप में प्रयोग किया जाता है, जब इन दोनों महाशक्तियों में सहयोग स्थापित करने का प्रयास किया गया। अर्थात ये दोनों महाशक्तियां जो है 1945 से ही इनमें विचारधारा पर जो है आधारित जो है संघर्ष चल रहा था, जिस संघर्ष को जो है शीत युद्ध का नाम दिया गया। जो विचारधारा पर इन्होंने अपने सैनिक गठबंधन बनाकर पूंजीवादी विचारधारा जो है साम्यवादी विचारधारा का विरोध कर रही थी। तो इनके बीच जो ऐसी परिस्थितियां बनती रही कि युद्ध होते होते रह गया, अर्थात दोनों ही महाशक्तियों यूएसए और यूएसएसआर में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए जब इनमें युद्ध होते होते रह गया, इसलिए इसको शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। तो मध्यस्थता शब्द जो है इन दोनों महाशक्तियों के बीच जो संघर्ष के बीच में, क्योंकि 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला, तो एक बीच में एक समय था 1970 से 1980 का, जब इनके बीच जो है संघर्ष जो है सहयोगी रिलेशन में, अच्छे रिलेशन में कन्वर्ट हुए, तो जिसको जो है मध्यस्थता का नाम दिया जाता है। अब यूएसए और यूएसएसआर में क्या हुआ, यूएसए और यूएसएसआर में 1945 से 1991 तक जो है विचारधारा के आधार पर संघर्ष रहा, जिस संघर्ष को शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। अर्थात इन्होंने जो है सैनिक संगठन बनाकर एक दूसरे की विचारधारा का विरोध किया। 1970 के दशक में इनके संबंधों में सुधार हुआ जब इनमें मित्रतापूर्वक जो है मित्रतापूर्ण संबंध बने। अर्थात 1970 से 1980 के दशक में शीत युद्ध के दौरान जो है यूएसए और यूएसएसआर में मित्रतापूर्ण संबंध बने, जिसको मध्यस्थता का, जिसको तनाव शैथिल्य, अर्थात इनमें जो तनाव था शीत युद्ध के कारण यूएसए और यूएसएसआर में जो तनाव था, उस तनाव में शिथिलता आती है, इसलिए उसको तनाव शैथिल्य या देतांत का नाम भी दिया जाता है। इनमें जो है मित्रतापूर्ण संबंध बने, जिसे तनाव शैथिल्य अर्थात तनाव का शिथिल होना, जो तनाव शीत युद्ध के कारण यूएसए और यूएसएसआर में जो है उत्पन्न हुआ था, उस तनाव में जो है 1970 से 1980 के दशक में जो है शिथिलता आ गई थी, जिसे मध्यस्थता का नाम दिया जाता है। तो शीत युद्ध में मध्यस्थता का जो कार्य है, मध्यस्थता का कार्य शीत युद्ध में क्या था, शीत युद्ध के दौरान जो मध्यस्थता का कार्य किया वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ना तो गुटनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है, गुटों से जो है अलग रहने की नीति, ना तो ये यूएसए गुट में थे, ये तीसरे विश्व के देश, ना ये यूएसएसआर गुट में थे, तो इन दोनों गुटों से अलग रहकर इन्होंने दोनों गुटों में मध्यस्थ जो है होकर इन दोनों गुटों के संघर्ष को समाप्त करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने। तो जब ये 1980 से 1980 से अर्थात 1970 से 1980 तक जो है यूएसए और यूएसएसआर के संबंध बहुत अच्छे रहे, लेकिन 1980 के बाद फिर से जो है नव शीत युद्ध शुरू होता है। दोनों महाशक्तियों में, जो दोनों महाशक्तियां हैं यूएसए और यूएसएसआर, दोनों महाशक्तियों में 1991 में जो है इन दोनों में फिर से नव शीत युद्ध शुरू होता है। तो उसके परिणाम स्वरूप 1991 में, क्योंकि यूएसए का सामना करते करते, अर्थव्यवस्था का सामने करते करते, यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था इतनी भी जो है बुरी हालत में हो गई थी कि इसका विघटन जो है 1991 में होता है, और जिसके बाद जो है यूएसए जो है विश्व राजनीति में 1991 के बाद एक जो है शक्तिशाली जो है यूनिपोलर पावर के रूप में उभर कर सामने
आता है। तो यहाँ पर जो मध्यस्थता शब्द का यूज किया गया है, तो साधारणतया जो मध्यस्थता है, मीडिएशन का प्रयोग जो दो शत्रु या दो विरोधी राज्य है, दो शत्रु, या जैसे शीत युद्ध के दौरान दो शत्रु राज्य कौन थे, यूएसए और यूएसएसआर। तो जब दो जो है शत्रु राज्य या दो विरोधी राज्यों के बीच जो है शांति स्थापित करने के प्रयत्नों का वर्णन करने के लिए जो है मध्यस्थता का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब दो राज्यों के बीच जो है इसका प्रयोग जो है दोनों महाशक्तियों के संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों के लिए किया गया, तो मध्यस्थता शब्द का प्रयोग जो है शीत युद्ध के समय जो दो विरोधी गुट थे, यूएसए और यूएसएसआर, इनके बीच जो है शांति स्थापित करने के लिए जितने भी प्रयत्न किए गए, तो उन प्रयत्नों को मध्यस्थता का नाम दिया गया। इसे जो है मित्रतापूर्वक पूर्ण समझौते के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। मध्यस्थता को मित्रतापूर्ण समझौते के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं वार्ता का अर्थ क्या है, नेगोशिएशन का अर्थ क्या है। वार्ता का अर्थ है वार्तालाप, अर्थात वार्ता का अर्थ क्या है, नेगोशिएशन। वार्तालाप जो है किसी विषय को जो है सुलझाने के लिए, जब दो ए और बी राज्यों में कोई किसी विषय को लेकर असहमति है, कोई संघर्ष है, तो जब वो इस विषय को सुलझाने के लिए वार्तालाप करते हैं, आपस में टेबल पे बैठ के समझौता करते हैं, तो उसको वार्तालाप कहते हैं। तो कहते हैं कि वार्ता जो है या वार्तालाप अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच संघर्ष को सुलझाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच जिन विषयों को लेकर संघर्ष है, असहमति है, उन विषयों को सुलझाने का एक तरीका जो है वार्ता है। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, वार्ता के माध्यम से दो विवादग्रस्त, जिन दो राज्यों में विवाद चला हुआ है, ठीक है, उन दो राज्यों के बीच जो विवाद चला हुआ है या संघर्षरत राज्य में वार्तालाप करके जो है वाद विवाद को जो है वाद विवाद करके उस संघर्ष को, अर्थात बात डायलॉग करके जो है उस संघर्ष को सुलझाने के लिए समझौता करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। वार्ता के द्वारा ये राज्य एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अर्थात वार्तालाप करके ये राज्य कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य को बराबर हिस्सा जो है प्राप्त होता है। यह एक रणनीतिक जो है वार्तालाप है, ठीक है, यह एक स्ट्रेटेजिक जो है वार्तालाप है। वार्ता क्या है, एक रणनीतिक जो है वार्तालाप है, जिससे दोनों जो विवादग्रस्त राज्य है, जिन दोनों राज्यों में जो है संघर्ष उत्पन्न हुआ है, उन राज्यों में जो संघर्ष है वो जो है समझौते से इस पर जो है इस समझौते के द्वारा उसको सुलझाया जाता है। वार्तालाप से समझौते पर बल दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि राज्य ए का यदि बी राज्य के साथ जो है सीमा विवाद को लेकर जो है कोई, या भूखंड को लेकर कोई अधिकार, उसके अधिकार को लेकर कोई विवाद है, तो उस विवाद को जो है दोनों राज्य जो है वार्ता के माध्यम से सुलझा सकते हैं। उस जो है वार्ता के माध्यम से वो एक स्वीकृत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जो दोनों राज्यों को स्वीकार हो। तो वार्ता के द्वारा किसी जो है संघर्ष का, किसी जो है विवादग्रस्त जो है विषय का जो है क्या निकाला जाता है, एक निचोड़ निकाला जाता है। अब जो मध्यस्थता शब्द यूज किया गया है, आपको पहले ही बता चुका हूं, ये शीत युद्ध के समय यूज किया गया था, 1970 से 1980 के दशक के बीच, जब जो है यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था, उस शीत युद्ध में जो है एक जो है मध्यस्थता के रूप में या तनाव शैथिल्य के रूप में, दितांत के रूप में एक फेज आया था 1970 से 80 का, जिसको मध्यस्थता के रूप में या मीडिएशन के रूप में देखा गया था। तो इसलिए मध्यस्थता और शीत युद्ध के संदर्भ में ही आप हमेशा मध्यस्थता को देखेंगे। तो मध्यस्थता को समझने के लिए, अगर हमने मध्यस्थता को समझना है, मध्यस्थता को समझने के लिए हमें शीत युद्ध को समझना पड़ेगा, क्योंकि मध्यस्थता जो है ये मीडिएशन शीत युद्ध में उलझी दो महाशक्तियां थी। शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था, यह विचारधारा पर आधारित युद्ध था, इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ था। जो संघर्ष वह हानिकारक संबंध की विचारधारा के आधार पर उत्पन्न हुए थे, अर्थात जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध जो है दो महाशक्तियों के बीच जो है विचारधारा के आधार पर उत्पन्न हुए थे, उन
पूर्ण संबंधों को सुधार कर सहयोग स्थापित करना जो है मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य था, ताकि यह संघर्ष जो है युद्ध में ना बदले। तो मध्यस्थता जो है शीत युद्ध के समय जो है एक प्रयत्न था, जिससे इन दोनों राज्यों के बीच, दोनों महाशक्तियों के बीच, यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो है सहयोगी संबंध स्थापित किए जा सके। तो शीत युद्ध था क्या? शीत युद्ध समझते हैं, शीत युद्ध जो है दो विचारधाराओं अर्थात दो महाशक्तियों जो है, जो दो विचारधाराओं को फॉलो कर रही थी, ठीक है, जो है पूंजीवादी विचारधारा का जो समर्थक था या पूंजीवादी विचारधारा का जो नेतृत्व कर रहा था वो यूएसए था, और साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व जो देश कर रहा था वो यूएसए। तो इन दो महाशक्तियों के बीच, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो यूएसए और यूएसएसआर में विश्व में शक्तिशाली बनने के लिए रेस लग जाती है, होड़ लग जाती है। तो ये दोनों ही महाशक्तियाँ जो है अपने आप को जो है विश्व में महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहती थी। तो दोनों ने ही सैनिक जो है गठबंधन बनाकर, सैनिक संगठन बनाकर, जिस प्रकार यूएसए ने नाटो बनाया, तो नाटो सैनिक संगठन में उसने जो है यूरोप के देशों को शामिल किया, उसी प्रकार यूएसएसआर ने बगदाद पैक्ट बनाया और यूरोप के देशों को इसमें जो है आर्थिक सहायता देकर शामिल किया। तो इन्होंने जो है सैनिक गठबंधन बनाकर विचारधारा के आधार पर, क्योंकि यूएसए जो है पूंजीवादी विचारधारा को समर्थन दे रहा था और यूएसएसआर साम्यवादी विचारधारा को समर्थन दे रहा था, तो दोनों ही एक दूसरी विचारधारा के विरोधी थे। और सैनिक गठबंधन बनाकर, जैसे इन्होंने नाटो बनाया 1949 में, इन्होंने जो है 55 में वार्सा पैक्ट बनाया, इन्होंने सीटो बनाया, सेंटो बनाया, तो इस प्रकार ये जो है सैनिक संगठन बनाकर जो है यूएसए तथा यूएसएसआर दोनों जो है सैनिक संगठन बनाकर विश्व के देशों को आर्थिक सहायता देकर अपने गुट में शामिल करना चाहते थे, ताकि वो जो है विश्व राजनीति में अपनी छाप छोड़ सके। तो जिससे इन दोनों में जो है शीत युद्ध आरंभ हो गया था, जो विचारधारा पर आधारित युद्ध था। तो इस शीत युद्ध में जो है वास्तविक तौर पर कोई भी युद्ध नहीं हुआ, परंतु हर समय ऐसी परिस्थितियां बनती रही जिससे युद्ध जो है होते होते रह गया। अब 1945 से जो 1970 तक दोनों महाशक्तियों के बीच जो संघर्ष विद्यमान रहा, दोनों में ऐसी परिस्थितियां बनी कि युद्ध होते होते रह गया। 1970 से 1980 के दशक में इनमें मध्यस्थता का निर्माण हुआ, अर्थात यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था, उस शीत युद्ध में एक दौर आता है बीच में 1970 से 1980 में, जिसमें इनमें मध्यस्थता होती है, जिससे इनमें जो है जो संघर्ष चल रहा था शीत युद्ध के समय, वो संघर्ष जो है सहयोग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे इनमें समझौते होते हैं, ऐसे इनमें संधियाँ होती है, जिससे इनमें जो है क्या है, इसमें सहयोग उत्पन्न होता है। 1980 में फिर से नव शीत युद्ध आरंभ होता है, अर्थात 1980 में जो है जो शीत युद्ध है इन दोनों जो है महाशक्तियों के बीच, यूएसए और यूएसएसआर के बीच, वो संघर्ष फिर से शुरू हो जाता है, युद्ध की परिस्थितियां फिर से बन जाती है और नव शीत युद्ध फिर से प्रारंभ होता है। अब जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो मध्यस्थता का जो दौर रहा 1970 से 1980 के बीच, तो 1970 से 1980 के बीच दोनों महाशक्तियों यूएसए तथा यूएसएसआर के बीच मध्यस्थता और सहयोग रहा। इस काल में सहयोग के लिए दोनों महाशक्तियों में समझौते हुए, जैसे इन दोनों ने जो है शस्त्रों को खत्म करने के लिए एक संधि आपस में की, जो है सॉल्ट, जो है जिसको सॉल्ट वन कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी इसको कहा जाता है, जो सामरिक जो है सशस्त्र नियंत्रण जो नीति इन्होंने अपनाई, अर्थात दोनों ही देशों ने जो सामरिक जो महत्व के सशस्त्र थे, आर्म्स थे, उनको जो है इसके द्वारा रिडक्ट किया गया। सॉल्ट टू भी यूएसए और यूएसएसआर के बीच संधि हुई, जिसके तहत इन्होंने जो है अपने सामरिक महत्व के जो है शस्त्रों को जो है इन्होंने कम किया। 1973 में एक जो है ब्रेजनेव जो है वॉशिंगटन में यात्रा पर जाते हैं, जिससे वो जो है यूएसए के साथ अपने सहयोग को बढ़ाते हैं, तथा दोनों महाशक्तियां समझौते के द्वारा जो है संघर्ष को जो है ख़त्म कर सहयोग को स्थान देती है। तो 1970 से 1980 का दशक जो है वो मध्यस्थता के तौर पर जो है काउंट किया जाता है शीत युद्ध में। तो मध्यस्थता के कौन कौन से कारण थे, यूएसए और यूएसएसआर को शीत युद्ध के दौरान जो है क्यों मध्यस्थता करनी पड़ी, उसके पीछे कारण क्या क्या थे, इन्होंने क्यों मध्यस्थता का रास्ता अपनाया, उसके पीछे जो कारण थे वो ये मुख्य कारण थे, अर्थात दोनों महाशक्तियों के बीच जो है तनाव शैथिल्य या जो है तनाव के शिथिल होने के मुख्य कारण ये थे। पहला कारण था परमाणु युद्ध का भय,
परमाणु युद्ध का भय जो है इसके कारण जो है दोनों महाशक्तियों ने आपस में मध्यस्थता की। यूएसए और यूएसएसआर के बीच मध्यस्थता का, यदि इन दोनों के बीच अगर सहयोगी रिलेशन बने, कॉपरेटिव रिलेशन बने, तो उसका पहला कारण था परमाणु युद्ध का खतरा, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियों यूएसए और यूएसएसआर दोनों को भय था कि यदि शीत युद्ध अगर युद्ध में परिवर्तित होगा, यदि शीत युद्ध जो है युद्ध में परिवर्तित हो गया तो दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार है। अगर दोनों महाशक्तियों ने परमाणु हथियारों का प्रयोग किया तो संपूर्ण विश्व जो है क्या हो जाएगा, अगर दोनों ही महाशक्तियों ने जो है क्या किया, दोनों महाशक्तियों ने परमाणु हथियारों का प्रयोग किया तो संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाएगा और किसी भी जो है गुट की जीत नहीं होगी। इसलिए समझदारी सहयोग और मध्यस्थता में है। तो परमाणु युद्ध के भय ने कि न्यूक्लियर अगर युद्ध होगा तो संपूर्ण विश्व का विनाश होगा, ना यूएसए जीतेगा ना यूएसएसआर जीतेगा, तो इस भय ने इन दोनों में सहयोग और मध्यस्थता करने के लिए इनको जो है विवश किया, जिसके कारण 1970 से 1980 के दशक में मध्यस्थता इन दोनों में बनी रही। दूसरा था जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, क्यूबाई मिसाइल जो संकट था। तो 1962 में क्या होता है कि 1962 का जो क्यूबन मिसाइल संकट है, 1962 में यूएसएसआर जो है क्यूबा जो है शीत युद्ध के समय जो है यूएसएसआर का एलाई था, इसके जो है सैनिक गुट में ये था। क्यूबा जो है यूएसए के नज़दीक एक कंट्री है, तो यूएसएसआर का यह जो है साथी था शीत युद्ध के समय। तो यह क्यूबा में एक मिसाइल लगाता है और जहाँ से ये यूएसए को टारगेट करने की कोशिश करता है, और यूएसए भी वापिस जो है रिटेलिएट करता है क्यूबा को, जिससे जो है यूएसएसआर और यूएसए में जो है कन्फ्रंटेशन जो है संघर्ष और अधिक शुरू हो जाता है। तो क्यूबन मिसाइल जो संकट था उसके कारण यूएसए और यूएसएसआर में जो है युद्ध की परिस्थितियां खड़ी हो गई, और दोनों ही यूएसए और यूएसएसआर युद्ध के कगार पर खड़ी हो गई थी। ये दोनों ही महाशक्तियां युद्ध नहीं चाहती थी, इसलिए ये मित्रतापूर्वक जो है शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करके इन्होंने जो है शीत युद्ध के क्षेत्र को ये सीमित करना चाहते थे। अर्थात इस क्यूबन मिसाइल संकट ने इन दोनों महाशक्तियों को शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर किया, जिससे इन दोनों महाशक्तियों में इस संकट ने जो है सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या इनको इसके लिए विवश किया। तीसरा जो कारण था मध्यस्थता का, 1970 से 1980 के दशक में यदि इनके बीच जो है अच्छे संबंध बने तो वो संबंध थे चीन तथा सोवियत संघ में मतभेदों में वृद्धि। अर्थात चीन और सोवियत संघ में 1970 से 1980 के दशक में जो है मतभेद बढ़ गए थे। 1970 के दशक में वृद्धि हुई, 1969 में चीन ने सोवियत संघ की सीमा को लेकर विवाद में इनके बीच युद्ध होते होते रह गया, तो जिसके कारण जो है सोवियत संघ को ये लगा यदि वह यूएसए से भी उलझता रहेगा तो उससे जो है उसे और दिक्कतें होंगी, तो उसने जो है यूएसए से जो है यूएसएसआर ने जो है अपने रिलेशन और अच्छे करने शुरू कर दिए इस जो है इस समय में। इससे भी जो है यूएसए तथा यूएसएसआर में मध्यस्थता बनी। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भी यूएसए और यूएसएसआर में मध्यस्थता स्थापित करने में 1970 से 1980 के दशक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे? क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन यूएसए तथा यूएसएसआर के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का कारण था। गुट निरपेक्ष आंदोलन दोनों ही गुटों की राजनीति से निरपेक्ष थे, अर्थात गुटों से निरपेक्ष रहने की नीति को गुट निरपेक्ष कहते हैं। अर्थात जो गुट निरपेक्ष आंदोलन थे या गुट निरपेक्ष देश थे, वो ना तो यूएसए गुट में थे ना यूएसएसआर गुट में थे, तो इन्होंने इन दोनों गुटों से अलग रहकर अपना स्वतंत्र जो है राजनीतिक और आर्थिक निर्माण किया। और गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भी इन दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष को कम करने का प्रयास किया, जिससे इन दोनों जो है महाशक्तियों में जो है सहयोग पैदा हुआ। इसके अलावा जो अन्य कारण था, सोवियत संघ द्वारा सह अस्तित्व की नीति। 1970 के दशक में सोवियत संघ ने जो है जिसका जो है यूएसए के साथ जो है कन्फ्रंटेशन चल रहा था यूएसएसआर का, तो सोवियत संघ ने भूतपूर्व सोवियत संघ ने 1970 के दशक में जो है सह अस्तित्व की नीति अपनाई, जिसके द्वारा जो है उन्होंने क्या किया, 1970 के दशक में सोवियत संघ ने जो यूएसएसआर का एक नेता था, उन्होंने सोवियत संघ जो है के नेता जो ब्रेजनेव थे, इन्होंने विदेश नीति में परिवर्तन करके जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाई, जिसका अर्थ था कि सोवियत संघ जो है खुले रूप में युद्ध के पक्ष में नहीं है। अर्थात सोवियत संघ जो है शीत युद्ध को युद्ध में परिवर्तित नहीं करना चाहता है। अर्थात
इसके तहत वो ये बताना चाहते थे कि जो है यूएसए जो है के साथ वो जो है अपना संबंध इम्प्रूव करना चाहते हैं, अर्थात यूएसएसआर जो है खुले तौर पर युद्ध के पक्ष में नहीं है, वो शांति चाहता है। तो यह भी एक कारण था मध्यस्थता का। इसके अलावा जो है वियतनाम युद्ध में अमरीकी असफलता, वियतनाम में अमरीका के निरंतर बढ़ते हस्तक्षेप तथा वियतनाम युद्ध में अमरीका की असफलता ने अमरीका को यूएसएसआर के साथ सहयोग जो है संबंध सहयोगी संबंध बनाने पर प्रोत्साहित किया था, जिससे भी मध्यस्थता को जन्म मिलता है। अब क्या होता है कि 1970 से 1979 तक यह मध्यस्थता का दौर चलता है, लेकिन 1979 में मध्यस्थता का पतन हो जाता है, मध्यस्थता का जो है ह्रास हो जाता है। और 1979 में जब भूतपूर्व सोवियत संघ अफगानिस्तान पर आक्रमण कर देता है फिर से, तो यूएसए इसका विरोध करता है, और जिससे इन दोनों महाशक्तियों में यूएसए और यूएसएसआर में पुनः जो है शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसको नव शीत युद्ध न्यू कोल्ड वॉर का नाम दिया जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो संघर्ष फिर से शुरू होता है, उसमें यूएसएसआर जो है इतना ज्यादा पैसा जो है अस्त्र शस्त्रों और यूएसए से उलझने में लगा देता है, जिससे 1985 से यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है वो जो है पिछड़ती चली जाती है। इसकी अर्थव्यवस्था, यह जो अर्थव्यवस्था है वो यूएसए की अर्थव्यवस्था का मुकाबला नहीं कर पाती है। 1985 में जो यहाँ की जो राष्ट्रपति होते हैं वो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका करके नीतियां अपनी व्यवस्था को जो है पुनर्सुधार करने के लिए लाते हैं, लेकिन वो जो है यूएसएसआर जो है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है धीरे धीरे जो है यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था जो है क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो जो इसमें राज्य सम्मिलित थे, भूतपूर्व सोवियत संघ, क्योंकि यह एक संघ था राज्यों का, भूतपूर्व सोवियत संघ, इसलिए इसको भूतपूर्व सोवियत संघ कहा जाता है। तो जो इसमें राज्य थे, तो इसमें से सबसे पहले तीन राज्य अलग होते हैं, लेटवा, लिथुनिया और एस्टोनिया। तो इस प्रकार धीरे धीरे सभी राज्यों को ये लगने लगा कि यूएसएसआर में रहकर वो आर्थिक तौर पर अपने आप को विकास नहीं कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो है दिसंबर 1991 में जो है यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, और जो है पूर्ण तौर पर जो है यूएसएसआर के विघटन के साथ जो है यूएसए एक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एकमात्र जो है विश्व की शक्ति में उभर कर जो है सामने आता है। तो जब यूएसए जो है विश्व में एकमात्र शक्ति रह जाता है, तो उसी के साथ जो मध्यस्थता है, मध्यस्थता और शीत युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो दिसंबर 1991 में शीत युद्ध भी समाप्त हो जाता है, शीत युद्ध का संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। तो शीत युद्ध के संघर्ष के साथ ही मध्यस्थता भी समाप्त हो जाती है। तो ये था मध्यस्थता और नेगोशिएशन। थैंक यू।